बच्चों, आज हम फिर से न्यू लेसन के साथ मिल रहे हैं। आज का हमारा लेसन नेम है मेरा परिवार, पेज नंबर 60। ओके, तो मेरा परिवार, जैसे कि आप लोगों को भी परिवार है, आप भी फैमिली के साथ रहते हो कि नहीं? आपके साथ कौन कौन रहता है? दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, आप भी बहन है ना। तो अभी ये लेसन में, ये मेरा परिवार के लेसन में कौन कौन रहता है, क्या है, इसके बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। पेज नंबर 60 खोला बच्चों। मेरा परिवार। मेरा नाम उदय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। देखो, ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा नाम उदय है और मैं कहाँ रहता हूँ? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ। आप लोग कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी कक्षा में। उदय पहली कक्षा में और आप लोग दूसरी कक्षा में। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार है। उदय अपने पिताजी को दिखा रहा है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार है। वे एक दफ्तर में काम करते हैं, जैसे कि आपके पापा भी काम के लिए जाते हैं कि नहीं, तो वैसे ही उदय कहाँ रहता है बच्चों? दिल्ली में रहता है और वो कक्षा पहले में है और आप लोग कक्षा दूसरी में है। मेरे पिताजी का नाम क्या है? अशोक कुमार है। इसके हाँ, उदय के पिताजी का नाम अशोक कुमार है और वे कहाँ काम करते हैं? दफ्तर में। मेरी माता जी का नाम आभा है, वे एक स्कूल में पढ़ाती है। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उदय की माँ है, वो जो टीचर है एक, वो है मेरी माता जी। मेरी माता जी का नाम क्या है? आभा। और ये वो एक स्कूल में पढ़ाती है। जैसे कि देखो, हम लोग भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, हम घर का भी संभालते हैं और आप लोगों को भी पढ़ाते हैं, वैसे भी जो उदय की माँ है आभा, वो स्कूल में पढ़ाती है। मेरी छोटी बहन सोनल है। देखो, जैसे दादी के साथ एक छोटी लड़की बैठी हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है, वो उदय की छोटी बहन है सोनल। वो अभी स्कूल नहीं जाती। उदय की छोटी बहन है, उसका नाम क्या है बच्चों? सोनल। और वे अभी स्कूल नहीं जाती है, वह घर में दादी के पास रहती है, सारा दिन खेलती है और गाती है। देखो, जो सोनल है वो अभी स्कूल नहीं जाती, वह दिन भर किसके पास रहती है? दादी के साथ रहती है और दादी के साथ सारा दिन खेलती है और गाती है। कड़बक कड़बम में वो 80-90 पूरे 100 में निकला था, चोर निकल के भागा। है कि नहीं? आप लोगों को पसंद है कि नहीं ये? वो मतलब खेल खेल में आप लोग बोलते हो ना, वैसे ही वो बच्ची सोनल अपने दादी के साथ वो खेल खेलती है। देखो बच्चों, जैसे कि उदय ने अपने परिवार का अच्छे से हमें समझाया है, वैसे ही आप लोगों को भी अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। पेज नंबर 61 देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, पेज नंबर हम अभी 61 देखते हैं। उसमें देखो एक्टिविटी दी है, आओ करें। अपना ना अपना और अपने माता पिता या भाई बहन के चित्र चिपकाओ और वाक्य पूरे करो, है ना। एक नंबर में है मैं --- हूँ, तो मैंने यहाँ पे आशा लिखा है, वहाँ पे आप आपका नाम लिख सकते हो। मैं आशा हूँ, मेरी आयु 7 साल है, ये बराबर लिखना है इसे। यह मेरी या मेरा, आपको भाई होगा तो यहाँ भाई लिखो, बहन होगा तो आप बहन लिख सकते हो। इसका नाम अर्जुन है। क्या है इसका नाम? अर्जुन। आपके बहन का नाम अगर मोना होगा, भाई का नाम अगर सोनू होगा, तो वो आपको लिखना है। ये मेरी माताजी है, इनका नाम विमल है। जैसे कि आपकी माँ का नाम रेखा हो सकता है, नीलम हो सकता है ना, वहाँ पे आपको लिखना है। ये मेरे पिताजी है, इनका नाम विशाल है। देखो, यहाँ पे भी आपके पिताजी का नाम लिखना है आप लोगों को, ओके। यहाँ पे देखो, मैं, भाई बहन, माताजी, पिताजी, यहाँ पे आप लोग, आपको क्या करना है बच्चों, आपके पेरेंट्स के और आपके भाई बहन के फोटोज़ स्टिक करने हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेजना है, ओके बच्चों।
मुझे ये फल पसंद है, फलों के नाम लिखिए। हाँ, तो यहाँ पे दिया है आम। क्या है बच्चों ये? आम। तो आप लोगों को सिर्फ आम पसंद है क्या? नहीं, पपया, सेब, चिकू, अनार, ये फलों के नाम आपको लिखने हैं। और दूसरे लिखने होंगे तो आप लिख सकते हो बच्चों। मुझे ये पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, पशु पक्षियों के नाम लिखो। यहाँ पे बीच में कौन दिया है आपको? हाँ, तोता। कौन दिया है? तोता। और ये कौन है? चिड़िया, कौवा, मोर और बतख। ऐसे आप लोगों को भी लिखना है। ओके, तो ऐसे ही ये पूरे पेज में जो राइटिंग है ये आप लोगों को गुड हैंड राइटिंग में लिखनी है बच्चों। हाँ,